लाइट का यानी सोलर एनर्जी के फार्म में डिपेंड करता है। अब इसमें हम लोग के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये एक बॉक्स लाइक सोलर कुकर है। अब इस सोलर कुकर का काम होता है, जैसे सनलाइट को लेगा और सनलाइट को यहाँ पे ट्रैप करेगा, एंड देन यहाँ पे जब ट्रैप करेगा तो हम इससे बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं, जैसे खाना पका सकते हैं। सो सोलर कुकर का हम लोग इस्तेमाल जनरली कुकर का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। ये हम लोग के पास सन हुआ और ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस बॉक्स को इंसुलेट कर देते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे फोम का एक लेयर लगा देते हैं। ऐसे करके हम लोग एक फोम का लेयर लगा देंगे। ये फोम का लेयर क्या करेगा, इस सोलर बॉक्स को आउटसाइड से इंसुलेट कर देगा, मतलब इसका कनेक्शन लूज कर देगा, जिससे अंदर का जो हीट होगा वो बाहर कन्वेक्शन मेथड से बाहर नहीं जाएगा। अगर अब इसके बाद अंदर में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये एक कोई मेटल का लेयर होगा। जनरली इसमें हम लोग एल्यूमिनियम का लेयर देते हैं और साथ में इसको ब्लैक कलर का कर देते हैं। ब्लैक क्यों करते हैं ना, ब्लैक करने के पीछे कारण ये होता है कि वो जो लाइट होगा उसे एब्जॉर्ब करेगा, जिससे यहाँ का हीट यानी टेम्परेचर राइज करेगा। ना इसके ऊपर में हम लोग एक ग्लास स्लैब दे देते हैं या फिर एक ग्लास शीट कवर देते हैं, वो प्लेन मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर ही होता है तो उसे मोटा लेयर क्या होता है। एंड ये हम लोग के पास देख रहे हैं ना, ये एक रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर में भी हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। सनराइज जब आते हैं, सनलाइट कैसे आएंगे, और हम लोग जानते हैं जब पैरेलली आएगा तो पैरेलली भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो ये लाइट पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा इस प्लेन शीट पे, एंड देन वो इंटर करेगा। जब वो इंटर करेगा, इस तरीका से प्लेन शीट होता है कि इतना मोटा लेयर या फिर जो भी हो, ये अंदर जब घुसता है तो यहाँ पे टकराता जरूर है, ऐसे करके टकराता है, लेकिन टकराने के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो यहीं पे ट्रैप हो जाता है। साथ में ये जो हमारे पास ब्लैक कलर का हमारे पास लेयर है, ये इसे एब्जॉर्ब करता है। एंड देन ये एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, इसके अंदर का टेम्परेचर राइज होने लगता है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई भी खाना चाहे पका सकते हैं। पर हाँ, हम लोग को जो इंस्टेंट खाना होता है, जैसे कि कोई फ्राइड होना वगैरह, वो सब यहाँ नहीं होगा। पर हाँ, लॉन्ग टाइम का जो खाना होता है, जैसे कि दाल बनाना, भात बनाना, ये इसके अंदर आराम से हो सकता है। ये एक सोलर कुकर का मॉडल है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं। सोलर कुकर में मेन हमारे पास तीन चीज होता है। एक हमारे पास क्या है ना, एक बॉक्स होगा। बॉक्स के अलावा हमारे पास क्या होगा, एक ग्लास शीट होगा, एंड देन हमारे पास एक रिफ्लेक्टिव मिरर होता है। सो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स क्या चीज है। ना बॉक्स होगा एक वुड का या मेटल का। हम लोग वुड का भी बॉक्स बना सकते हैं और मेटल का भी बॉक्स बना सकते हैं। अब ये क्या होता है, इसे हम लोग इंसुलेट कर देते हैं। तो कैसे इंसुलेट करते हैं, हम लोगों ने अभी फिगर में देखा कि हम लोग फोम का एक लेयर लगा देते हैं, जिससे हीट ना बाहर जाएगा ना बाहर से हीट अंदर आएगा। सो ये परफेक्टली हीट को रोकने का काम करता है। और ये जो पेंटेड ब्लैक होता है, इनसाइड में ब्लैक कलर का हम लोग लेयर लगा देते हैं। अगेन अब इसके बाद ये जनरली क्या करता है, इसमें चार वॉल्स होता है, क्योंकि हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स लिए तो चार वॉल्स होना ही है इसमें। साइज का डिपेंड करता है, कोई छोटा बनाता है, कोई बड़ा बनाता है, अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट के आधार पर साइज छोटा बड़ा होने लगता है। नाउ इसके ऊपर में हम लोगों ने देखा था ग्लास शीट। ग्लास शीट कहाँ पे होगा, द टॉप ऑफ द ओपनिंग होता है बॉक्स। और ये क्या करता है, ये किसी भी प्रकार का हीट को बाहर जाने से रोकता है। थ्रू इट सेल्फ हमारे पास फूड क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है, यहाँ का टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज होता है। साथ में ये ग्लास शीट हमारे पास एक तो हीट यानी टेम्परेचर को ट्रैप करके रखने का काम किया, साथ में जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, उनको भी आप बाहर से अंदर आने नहीं देगा, यानी पॉल्यूशन फ्री, डस्ट फ्री आपका खाना रहेगा। अगेन रिफ्लेक्टिंग मिरर हम लोगों ने फिगर में देखा था। रिफ्लेक्टिंग मिरर जो होगा वो किस तरह से होता है, इस एंगल में मेंटेन किया रहता है कि वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर के गिरे कहाँ पे, बॉक्स में, एंड देन बॉक्स से होते हुए बॉक्स के अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कन्वर्जेंस करेगा एंड टेम्परेचर को ग्रेजुअली राइज करेगा, और टेम्परेचर इतना राइज हो जाएगा एक समय के बाद कि आपका जो भी खाना होगा आप आसानी से पका सकते हैं। यह हमारे पास वर्किंग प्रोसेस जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही है ना। जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये जो हम लोग देखे सनलाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारा सन से आ रहा है,
ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग मिरर पे गिरेगा, जो हम लोगों ने देखा था। ये रिफ्लेक्टिंग मिरर इसे कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, उस बॉक्स पे, एंड देन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इजीली आराम से घुस जाएगा ग्लास जो ऊपर में रखा हुआ उससे होते हैं बॉक्स के अंदर, एंड देन वो क्या हो जाएगा ना, बॉक्स के अंदर एक्चुअली ग्लास से लगभग तो वह एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, देन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंदर जब घुसेगा तो उसकी जो दीवार हम लोगों ने ब्लैक कलर का कर दिया था, अब वो एब्जॉर्ब करने लगेगा जिससे इसका टेम्परेचर राइज होता है। जनरली जो हमारे पास जो वुडन यानी रेक्टेंगुलर जो सोलर कुकर होता है वो लगभग इतना टेम्परेचर अचीव कर लेता है, 110 से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो यानी इजीली हम लोग पानी उबालने वाला जो भी काम होगा जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया चावल उबाल करना, दाल का ये करना, सब इससे आराम से हो सकता है ना। जब बॉक्स का टेम्परेचर रीच कर जाता है खाना पकाने का, देन क्या होता है टेम्परेचर को, द टेम्परेचर कीप्स इंक्रीजिंग होने लगता है जब तक पूरी तरह से खाना पक ना जाए, एंड इस तरह से ये फंक्शन करने लगता है। अब यहाँ पे हो जाएगा सोलर कुकर का कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस है, हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होता है, वैसे सोलर कुकर का भी कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। नाउ हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका एडवांटेज यानी इसके प्रोज क्या क्या होंगे। हम लोग को ये तो मालूम है कि सोलर कुकर डिपेंड किसके ऊपर करता है, सोलर एनर्जी के ऊपर। अब सोलर एनर्जी जो होता है हम लोग को ये मालूम होगा धूप जहाँ होगा वहीं सोलर एनर्जी ज्यादा होगा, यानी अगर ठंडा के समय देखे, रेनी के सीजन से रेन सीजन के समय देखे क्लाउड हो रहा है, तो मान लेते स्टॉर्म आया है, ठंडा बहुत ज्यादा है, कुहासा वगैरह हो गया, तो नो डाउट उस समय सोलर एनर्जी ज्यादा तो पहुंचेगा नहीं आप तक। यानी अगर हम लोग देखें तो इसकी कुछ ना कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, इसके आधार पर तय होगा। नाउ पहले पहले पोस्ट, इसमें कोई फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है, ये तो पूरा पूरी सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्यूल का तो कोई सवाल उठता नहीं है। साथ में ये बहुत सस्ता भी होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है क्योंकि पॉल्यूशन का तो कोई मैटर है नहीं इसमें। नाउ इससे हम लोग का कार्बन फुटप्रिंट भी घटेगा, पर इसका ये है कि हम इससे बहुत ज्यादा कोई बड़ा चीज हम लोग कुकर का काम नहीं कर सकते, जो हम लोग का जैसे कि अगर कोई चिकन फ्राई करना चाहेगा सोलर कुकर से नहीं कर सकते, क्योंकि ये धीरे धीरे राइज करता है टेम्परेचर और एक समय के बाद टेम्परेचर पहुंचता है तो टाइम लगता है ना। कौन से में हम लोग देखेंगे ये लेस यूजफुल होता है क्योंकि क्लाउडी वेदर में तो लगभग काम नहीं करता, और ये लंबा समय लेता है कुक करने के लिए फूड को। अगेन सोलर कुकर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड से भी अफेक्टेड हो जाते हैं, एंड देन ये हम लोग के पास डिफिकल्ट होता है, हम लोग जो जो इमिडिएट खाना होता है उनको हम लोग पका नहीं पाते। ये रहा सोलर कुकर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।